हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक ब्यूटी आइडियाज़। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक हेयर ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी जिससे कि आपके जो बाल रफ होते हैं, ड्राई होते हैं, फ्रिजी हेयर होते हैं, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपके हेयर परफेक्टली स्मूथ, सिल्की, शाइनी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब हमारे बाल ड्राई रहते हैं, फ्रिजी रहते हैं और कम्प्लीटली डेड हो जाते हैं ना, ख़राब हो, तो आप घबराइए मत फ्रेंड्स, बालों को काटना ही लास्ट ऑप्शन नहीं है। मैं आज आपके साथ एक हेयर ट्रीटमेंट शेयर करने जा रही हूँ जो आपके बालों को नई जान डाल देगा, आपके बाल सिल्की एंड बाउंसी लगने लगेंगे। तो मेरा विश्वास है कि फ्रेंड्स, ये ट्रीटमेंट आपके बालों में जादू के जैसे काम करेगा। तो चलिए जानते हैं ये हेयर ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो चाहिए वो है ये डिस्प्रीन। डिस्प्रीन की 3 गोलियाँ। इन्हें क्या करना है फ्रेंड्स, आपने 3 डिस्प्रीन की गोलियाँ ले लेनी हैं और इन्हें एक पेपर में इस तरह से तीनों को निकाल लेना है, क्योंकि हमें इनका एक फाइन पाउडर चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यह है डिस्प्रीन की गोली, इसे मैंने यूं पेपर में रख दिया। इस तरह से आपने ये तीनों गोलियों को निकाल देना। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से जब तीनों गोलियां आप निकाल लोगे, फिर आपको जिससे सुविधा लगे, मुझे तो इससे लग रही है, मैं इससे इनका फाइन पाउडर बनाऊंगी। आपको इसका एक फाइन पाउडर बना लेना है, दानेदार वगैरह नहीं रहने देना है, एकदम स्मूथ पाउडर के फॉर्म में आप इसे रेडी कर लें। ये बहुत ही इफेक्टिव मास्क है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट यूज़ में ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। जिनके बाल जो होते हैं ना, कलर करा लेते हैं तो बाल कैसे रफ हो जाते हैं, कोई शाइनिंग नहीं, बेजान से बाल हो जाते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम इससे सब सॉल्व हो जाएंगी। और बहुत जन तो ड्रायर यूज़ करते हैं प्लस वो हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं, उससे भी बाल जो होते हैं रफ हो जाते हैं, कुछ भी बालों में शाइनिंग नहीं रहती और हेल्दी नहीं लगते हैं, इसलिए उसको भी ये बहुत ही स्मूथ, सिल्की, बाउंसी बना देगा। उसके बाद आपने देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक फाइन पाउडर तैयार कर लिया है, मैं इसे इस बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे इस बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। मैं तो वाटिका शैम्पू यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं ये वाटिका ले रही हूँ। दो जितनी आपकी हेयर की रिक्वायरमेंट है, मुझे 2 लगते हैं, तो मैं 2 शैम्पू लूँगी। मैं इन शैम्पू को इसमें मिक्सअप कर लूँगी। इस तरह से उसके बाद मैं एक स्पून के पिछले वाले हिस्से से इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। देखिए फिर इस तरह से आपने भी इसे मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही बढ़िया ये ट्रीटमेंट है जिससे हमारे बाल एक ही यूज़ में बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं। कितनी सुंदर ये देखिए फॉर्म डिस्प्रिन, कितनी ही सुंदर से एक कितना सुंदर एक शैम्पू जैसे ये बन गया है। देखिए फ्रेंड, उसके बाद आपने यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद आपने बालों को गीला कर लेना है।
फ्रेंड्स, गीला करके बालों को इसे शैम्पू को अच्छे से अपने बालों में पूरे लगा लेना है और 5 मिनट के लिए यूं ही अपने बालों में छोड़ देना है। और उसके बाद आप अपने बालों को पानी से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद फ्रेंड, आप कंडीशनर ज़रूर अप्लाई करें और कंडीशनर उतना ही लें जितने आपको रिक्वायर हो, क्योंकि ज़्यादा कंडीशनर भी हमारे बालों को झाड़ता है, झड़न झड़ हमारे बाल झड़ते हैं उससे, और इसलिए आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही कंडीशनर लें। तो इसके बाद जब आप देखोगे, जब आप अपने बाल आपके बाल सूख जाएंगे तो आप देखोगे आपके बाल कितने सिल्की बाउंसी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये हेयर ट्रीटमेंट ज़रूर यूज़ करें। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन ज़रूर दबाएँ। तो फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए फ्रेंड बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।